अभी एक काम करो, मार डाला जब मेरा टाइम थोड़ा है। ये वाला लास्ट बैग है, ये लास्ट हाँ, थोड़ा सा ट्राई तो करो। जब तक खाना खा लेते हैं, यहाँ बैठ के खाना खा सकते। प्यारी अम्मा ने लेस लगाई थी, वो देखा अच्छी लग रही है अम्मा, बहुत अच्छी लग रही है। अब ये पहनने में तो और ज्यादा अच्छी लगे, बिल्कुल सफाई से लगा, ये पता ही नहीं लग रहा। सुहांज ना लेकर आयो, किसी से पूछा है? पूछे किसी से? अच्छा, अभी गांव के यहाँ पर कराची में रहेंगे ना, तो कराची का शो देखो ऐसे खत्म कर देंगे। कराची के रोडों का शो है और ये हमारे खाने की चीज है। चादर इधर में, चादर। चाचू नमाज पढ़ रहे हैं, चाचू अभी नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसका पीछे देखो सरप्राइज पड़ा हुआ है। अभी आपके पापा को पता चलेगा। चाचू ये देखें पीछे, सुहान ना ये सामने जो दरख्त लगे हुए हैं कमरे के आगे, वहीं से सुहान ना इतना सारा तोड़ के लाए हैं। आज वाह माशाल्लाह, सूट कर रही है तैयब आपके ऊपर। पहन रहे हैं यूनिफॉर्म, कैप भी इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि ना उधर धूप होती है, वहाँ पे हम एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, तो कल मंडे को भी इसको पहन के जाओगी? गुड मॉर्निंग मेरा बेबी। जैसे मैं सुबह से उठी हूँ ना, मुझे स्पाइसी खाने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा था। वैसे तैयार है मटर आलू, और आलू मटर और कीमे का सालन पका है घर पे, लेकिन मैंने जो है ना अपनी देगची रखी हुई है, ये नूडल्स बना रही हूँ। ज्यादा मिर्ची लगती है तो मैं हाफ इसमें इतना सा ऐड करूँ। अभी हो रहा है दोपहर के खाने का टाइम, तो सबको जो है ना खाना अभी सर्व करते हैं। रायता जो है ना अपनी छोटी छोटी कटोरियों में डाल के रखी, छोटी छोटी कटोरियाँ इतनी अच्छी लगती है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना मैं कहती हूँ ऐसी और ले आऊँ। और इस साइड पर मेरी मैगी तैयार हो गई। अम्मी अम्मी कहती है मत खाओ ये वाली मैगी, इतनी मिर्ची वाली अच्छी। आप खाओगी? नहीं, ये वाली इसमें नहीं होता इतना मसाला। हाँ वो जो लाल वाला पैकेट है ना, इसमें बहुत ज्यादा लाल मिर्च, डर लगता है इतनी ज्यादा तेज लाल मिर्ची। मेहमानों को दे दिया अंदर खाना? कमेंट में आ गया कि आंखों के लिए नुकसान दे, ये आंखों के लिए नुकसान दे, मिर्ची आंखों के लिए नुकसान। तो सबसे पहला चम्मच जो है ना अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी। इधर देखो एक चम्मच मेरे हाथ से, हाँ थोड़ा सा ट्राई तो करो, ट्राई करो। अम्मी आप ट्राई करेंगी? मिर्ची है अम्मी, मिर्ची बहुत ज्यादा, नीचे से तोड़ के लिए। कैसी है? ज्यादा नहीं होगी? नहीं है ना, इस अभी लग रही है। मिक्स कर दी और मिर्ची अम्मी डाल रहे थे, देखो अभी कह रहे कि मिर्ची नुकसान है, अभी मिक्स कर रहे थे मेरे इसमें। हाँ, अभी खाओ अभी खाओ अभी चला। थोड़ी सी अम्मी ने टेस्ट कर ली है, आप नहीं टेस्ट कर सकते? अच्छा मेरी पैक इसमें देखो इतनी ज्यादा ये मिक्स कर रहे थे, मैं नहीं देख रही थी। सुनाओ हाल सुनाओ। पागल हो गए, इतना मिर्ची खाओगे? जो मेरी प्लेट में और मिक्स कर रहे थे मिर्ची, आपको नहीं पता कितनी ज्यादा होती है? मैंने कहा शायद आपको कम लगे इसलिए मैं डाल रहा था। नहीं जानबूझ के डाल रहे थे, ज्यादा है सच में वैसे? इतना ज्यादा नहीं, ज्यादा मिक्स तो नहीं कर दी मैंने, इतनी नहीं की थी। अम्मी चाचू को वो ट्राई करें वो मैगी, खाएंगे? चाचू मिर्ची वाली चीजें खाते हैं? नहीं खा पाएंगे? नहीं खाएंगे? नहीं जो मैंने डाल रहे हैं वैसे मिर्ची वाली चटनी खाएंगे, ये बहुत ज्यादा मिर्ची एक्स्ट्रा, लेकिन बहुत ज्यादा मजे का लग रहा है। इसका दिल होता है ना, तो उसको ये वाली चीजें जो है ना कुछ नहीं लगती, मुझे सच में नहीं पता चल रहा थी। पता लोग कितने ज्यादा इसके वो कर रहे होते हैं, चैलेंज करते हैं, इतना चैलेंज करते हैं, इतना खाते हैं, और मैं तो महीनों में कभी कभार जाकर खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। और ये देखो यहाँ पर सारे बैग हमारे निकले हुए हैं, तो ये सारी तैयारी हो रही है हमारी पंजाब जाने की। और इसके अलावा जो मैंने सर्दियों के कपड़े कुछ दिन पहले सारे अलग किए हुए थे, तो अब इन इतने ज्यादा हमारे घर पर बैग हैं एक्स्ट्रा से, क्योंकि हम जैसे इधर उधर सफर करते हैं ना, तो उनके लिए एक आधा लेते लेते अभी बैग भी बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ सर्दियों के कपड़े इन सारे बैग में रख के, और अपने हस्बैंड को भी मैंने बुलाया हुआ कि ऊपर मुझे कबर्ड में ऊपर इतना ज्यादा स्पेस और खाली पड़ा हुआ है, वहां पर हमारा हाथ तो नहीं पहुंचता, इनको जो है ना ऊपर भेजेंगे, सामान सारे रखवाते हैं, और बाकी जो पैक करने का गाउन लेकर जाने का वो गाउन का अलग करते हैं। हम दो बनाएंगे, दो में सबके डाल के जाएंगे, क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल है तो हमने वहां पर ज्यादा दिन नहीं रहना, सिर्फ शादी के फंक्शन जो होंगे वही अटेंड करेंगे, और उतने दिन शादी के कपड़े लेकर जाने। बस ये वाला बैग नहीं लेकर जाएंगे, गाँव में ऐसे बैग लेकर जाओ ना इतने गंदे हो जाते हैं। ये बिल्कुल न्यू हॉट एयर ब्रश, तो ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला था, और इसको जो है ना आज तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अब शायद शादी पे ये काम आएगा, तो इसको भी बैग में पैक कर लेते हैं। ये अम्मी भी आ गई हैं हमारी पैकिंग देखने की। अम्मी आपने बैग पैक कर लिया अपना? नहीं किया मैं अम्मी इस दफा सिर्फ दो बना रही हूँ हम सबके।
बनाऊंगी, फिर बहुत ज्यादा होते, गाड़ी में बैठने की जगह नहीं बनती। मेरी हेल्प करा दो। ये सारे बैग उठा के ने हमारी हमें मार डाला। जब मेरा टाइम थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। मुकाबला सख्त है, मुकाबला वाकई में बहुत ज्यादा सख्त है। देखते हैं शादी में जो लोग आ रहे हैं, सबसे पहले हमारी पैकिंग होगी। देखते हैं सबसे पहले कौन पहुंचता है शादी में। देखते हैं शादी में सबसे पहले कौन पहुंचता है, देखना हम ही पहुंचेंगे सब। आयत के तैयबा के सबके अलग करते हुए जा रहे हैं। मुस्तफा के कपड़े आपके बैग में रख दूं? आपका बैग वैसे भी इतना ज्यादा, क्या सामान बैग में जगह है? इतना हम कम बैग बनाएंगे ना, उतना बैग बनाते हैं। आप तीनों एक जगह कर लो, हमारा दोनों का एक, मतलब मैं एक बैग में मेरे भी और सबके आ जाए गाड़ी के। ये आप अपने बैग में ये दो पैंट इसकी रखो, गाड़ी बच्चे को सो जाएगा। ये देखो ये भी इसकी न्यू पड़ी, ये वाली भी, ये तीन पैंट मुस्तफा की अपने, उसमें शर्ट ले, उन्होंने एक दफा भी नहीं पहनी। ये यूनिकॉर्न वाला इतना प्यारा है और दोनों के सेम है, ऐसा उसका भी है, आयत का भी है ना, दोनों के एक जैसे। ये तो नहीं पहन पाएंगे ना उधर गाँव में, गाँव में होगी थोड़ा ठंड, बिल्कुल सर्दियों के कपड़े नहीं लेकर जा, हल्का फुल्का गर्म होना शुरू होगा। फिर ये वाले, ये कुछ भी नहीं लेकर जाऊँ ठंड के लिए, तो तैयबा आपके ये वाले फिर अगले साल ही काम आएंगे, इस साल फिर ऐसे ही रख देते हैं वाला, वो बड़ा है ना। हाँ। वो एक मैं बना रही हूँ, एक आप बना लो। इतनी देर से पैकिंग करने के बाद रूम कुछ यहाँ तक पहुँचा है, कपड़े सारा कुछ अलग करते करते, के अलावा कुछ गिफ्ट थे वो भी अभी बैगों में से निकल निकल कर आ रहे हैं। इसमें तो सारे सर्दियों वाले जा रहे हैं, ये वाला यहाँ तक पहुँचा जो है ना, सबसे बड़े साइज का था, तो इसमें जो है ना मैंने सोचा शादियों के कपड़े सबके इसमें डाल लेती हूँ, और बाकी जो डेली में पहनेंगे ना वो भी सारे मैंने इसी में रख दिए। यहाँ इसमें बहुत सारे बच्चों के गर्मियों के कपड़े निकले इस साइड पे करके, वापस सर्दियों के कपड़े रख रही हूँ। और एक ये वाला बैग लाजिम बनेगा इसमें, अभी नीचे सबसे पहले से मैंने जूते रख दिए, अब इनके ऊपर जो है ना हम कपड़े रखेंगे। एक नीचे वाला बैग और ये वाला बैग तो फुल हो गया सर्दियों के कपड़ों, ये वाला बैग ये जैसे शादियों के फंक्शन के कुछ इस तरीके के कपड़े थे, इनको मैंने एक साइड पे बना के रख दिया, और ये हमारे गाँव जाने का हो गया, और ये मेरे हस्बैंड का भी फुल बैग हो गया। ये दोनों बैग हैं, इनके अंदर बैग के अंदर बैग रख दिया, मतलब जब हमें कभी कहीं जाना पड़ता है ऐसे लंबे सफर के लिए, घूमने फिरने के लिए जैसे निकलते हैं, तो फिर जल्दी से खाली नहीं करना पड़ेगा। इसमें यह है कि बैग के अंदर बैग पड़े हुए, दो बैग इसमें हो गए, दो बैग इसमें हो गए, तो ये चार टोटल बैग हो गए। बाकी रह गए ये वाला बैग, इसमें जैसे टेलर से अभी कुछ कपड़े उठाने हैं, तो ये सारी चीजें एंड टाइम पे मेरा मेकअप ज्वेलरी ये सारा कुछ उससे ही फुल हो जाएगा, तो हमारे साथ जाने के दो बैग तैयार होंगे। और बाकी जाना मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इस साइड पर सारे यहाँ ऊपर आयत के हो गए, यहाँ पर तैयब और आयत के दोनों के लपेट के रख दिए, क्योंकि दूसरी कबर्ड भी फुल होगी। नीचे जाना मैंने अपने बना के रखे हैं जो मेरे बच गए थे। आयत देखो अभी तक सुकून से सो रही, इसीलिए तो मैंने सारी जल्दी जल्दी जाना ये तैयारियां कर ली। ये वाली कबर्ड दिखाती, अब ये वाली अलमारी भी कुछ इस तरीके से फुल हो गई। अभी तो कितने कपड़े ये देखो नीचे लपेट के ऐसे रखे हुए, नीचे भी फुल हो गए, ये हमने सारे बैग खाली किए हैं, तो ये हाल हो गया अलमारियों का। जो है ना दूसरी मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये वाली देखो, ये वाली आयत, ये वाली खैर तैयबा ने ले ली, ये तो तैयबा की फुल हो गई, क्योंकि मुस्तफ़ा का ऐसा ऊपर वाला स्टैंड वाली कोई और अलमारी मिल नहीं रही। ये वाला हिस्सा जो है ना पूरा हमारी तैयबा ने ले लिया, और अब ये वाला जो हिस्सा इसमें ऊपर मेरे आ गए, अभी इसमें भी बच्चों के मिक्स है। ये बाहर वाली हो गई, तो बाहर वाली में देखो ये मेरे हस्बैंड का सामान है इसमें सारा, तो इसको बंद कर देते हैं। अब इसको खोलें तो ये रही हमारे मुस्तफ़ा की, मुस्तफ़ा ने ऊपर अपनी गाड़ियाँ रखी हुई, इसमें भी कपड़े मुस्तफ़ा के, नीचे ये पते क्या करते, इसके जितने हम बना कर रखते हैं एक खींचते सारे बाहर ऐसे निकल के आ जाते हैं। ये वाला सेक्शन आज हमने बना कर रखा है ना, तो इसमें से मुस्तफ़ा ने अभी नहीं, मुस्तफ़ा के लिए जो ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे हैंगर में हैंग करने का कोई भी मुस्तफ़ा का स्टैंड नहीं है। तो अब जो है ना ये वाला खोलते हैं, तो इसमें भी देखो आयत और तैयबा की फ्रॉक ही नहीं खत्म हो रही, आयत तैयबा के कपड़े घर में सबसे ज्यादा है। पढ़ लिया कुरान पाक भाईजान ने? आपने कुरान पाक पढ़ा? हाँ जी। और अभी जो है ना वो भी आने वाले हैं आपके ट्यूशन टीचर, नहीं तो यहाँ पर सारा ठीक कर दिया। अब इसमें व्हाइट फिलिंग करनी थी ना, ये भी सारी हो गई है, वहाँ का ये सारा आज व्हाइट पाउडर से फिल किया ना, तो सारा बाहर सोफे भी सारे व्हाइट हुए हुए, बच्चों ने पता नहीं इसके ऊपर क्या गिरा है क्या नहीं, हम बाहर थे जब तो ये तभी टूटी थी, आप नहीं आना इसके पास, तो आज इन्होंने निकाल कर दोबारा से न्यू लगा दी, और ऊपर ये चारों तरफ ये लगाया कि यहाँ पर जो है ना पाँव कोई ना रखे। तो अब शुक्र है कि हमारे घर में ऐसे लगता है जान में जान आई है, अब जो है ना अब हाँ चूल्हे नहीं लगाए आज, खोलो ये है हमारे घर के न्यू चूल्हे जो कि आज लगाने थे, पता नहीं क्यों आज नहीं लगाए, फिर कल ही लगाएंगे, तो अब सिर्फ दो वाला लगा रहे, इस वजह से था कि पीछे थोड़ा सा गैप आए और हमारे किचन की जो टाइल्स पीछे गंदी काली होती है ना वो नहीं होगी। आप कहाँ गए थे? मैंने अंदर सारे बैग पैक कर लिए, बैग के अंदर बैग रख के साइड किए हैं, जो ट्रैवल वाले हमारे हैं वो अलग किए, और जो पंजाब जाने की पैकिंग है वो अलग की है, सब बना लिए। फिर हम शीशा लेने चले, हमारा क्या लेने शीशा, वो खुला होगा ना शॉप, हो
कराची का मौसम इतना खूबसूरत है ना, दिल करता है कि ना फुल गर्मी ना आए, ऐसा ही रह जाए। बहुत ठंडी ठंडी हवा चली है, देखो दरख्त कैसे हिल रहा है। गिरोगे ना पता चलेगा फिर। ये बॉल को छुपा रही है माप, सही है? एक मिनट नहीं बैठता, मैं रात का खुद ही छुपा के रखूंगा। हाँ, अम्मा छुपाएगी, अम्मी को इतना उलझन होती है। अम्मी कहती है इतना भागते इतना भागते, कमजोर हो गया देखे तो सही, कितना कमजोर हो गया, सुन रहे हो आप? जा रहे हो, मैं खाता भी तो इतना सारा हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा खाते हो, मिनटों से खिलाना पड़ता है। आपके कमरे खुल ऐसे बने हुए हैं, कुछ कपड़े निकाल के रख रही हूँ। और इस साइड पर मैंने इन दोनों की ड्यूटी लगा दी, सारा सामान ऊपर रखवाने की। ये देखो, एक बैग वहां पर चला गया, दो बैग हमारे यहाँ पर चले गए। अब तो हमारे घर में स्पेस ही स्पेस काफी है। हाँ, चला भी रहेगी वहां पे, दो बैग आ जाएंगे। सारे हमारे ट्रेवलिंग बैग जा रहे हैं ऊपर मुझसे ख्याल से। हाँ, वो तो उसमें दो दो डाले थे। बस बस बस, ज्यादा ऊपर नहीं जाओ, गिरोगे। ये हमारी वॉशरूम की जो सारी कवर्ड्स थी ना साइड पे, काफी टाइम से ऐसे खाली पड़ी थी, हमने सारे सामान से फुल कर दी। ये वाला लास्ट बैग है, आराम से वजन नहीं, इसमें कारपेट था, आराम से बस ख्याल करना। ऐसा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, इससे नहीं जाएगा। लिया तो मेरा बच्चा भी शेर है, मम्मा का शहजादा है, शेर है। चलो, अभी हमारा स्टोर रूम खाली हो गया। तो ये है हमारा स्टोर रूम, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर फुल था, सारे बैग ही बैग थे। और तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हम रख भी सकते हैं, हमें अच्छा खासा यहाँ पर स्टोर रूम मिल गया है। अब इसमें तो हमने अपना राशन शिफ्ट कर दिए, इस साइड पर सारा राशन शिफ्ट हो गया है। अरे, किचन में जगह नहीं होती, इसमें राशन शिफ्ट हो गया। ऊपर कुछ मेरे पुराने घर वाले कुशन थे, वो इधर आ गए। इधर भी नीचे भी सारा हमारा राशन ही राशन। ये देखो, अभी तो अच्छा खासा स्पेस हो गया। अब ये वाला एक बैग रह गया इधर ही, नहीं ये मैंने वैसे बुक्स के लिए रखा हुआ था, ये नीचे रख देते यहाँ। अब एंड में रह गया हमारे बिस्तर, तो जैसे हमने कपड़ों को लपेट के सारे मोटे कपड़े लपेट के रख दिया, सर्दियाँ खत्म, तो ब्लैंकेट का सीजन भी खत्म। अब ब्लैंक बस, चलो ये वो ब्लैंकेट है, कितना ज्यादा वजनी। चलो, ये हमने जो है ना पैकेट भी इनके संभाल के रख देते हैं, नहीं फेंकते, वापस जो है ना सर्दियाँ खत्म होती है तो ब्लैंकेट भी इसमें लपेट के रख देते हैं। 15 दिन, 10 से 15 दिन हमने इसको यूज किया, फिर तो इतनी गर्मी यहाँ कराची में आ गई है। किधर जाना है आप लोग? बस ये सारा काम खत्म हो गया, अब एक ये भी ऊपर रख दे। तो आज मैंने इनको पकड़ के रखा, फ्रेंड्स के पास नहीं जाने दिया, सारे बैग ऊपर अलमारियों में रखवाए हैं। ये उससे ज्यादा ऊंचा है, फुल होगी। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये भी सारा खाली है, बचा कुचा जो है ना अब हम इसमें शिफ्ट करेंगे। सारे हमारे पैक हो गए, अब जो ना ये वाला रूम साफ कर लेती हूँ। कब से हम तैयारियों लगे हुए थे पैकिंग में सब कुछ, तो ये कब का उधर ही रह गए। बेडशीट चेंज करते हैं और बाकी यहाँ की सारी क्लीनिंग करते हैं। हाँ, ये जूते भी सारे अभी निकल के आ रहे हैं। खुस्सा मुझे लेना था, देखो नया खुस्सा निकल के आ गया। गया अच्छे से हमारा रूम नीट, सारे कपड़े भी अलमारियों में, बैग भी पैक, और हमारा रूम भी अच्छे से साफ हो गया। बाकी इस बेडशीट के जो पिलो कवर थे वो मिल नहीं रहे थे, वॉश किया बेडशीट और पिलो कवर कहीं कपड़ों में ऊपर नीचे चले गए। एक एक कोना अच्छे से जाना हमने इसका नीट कर लिया। अभी देखो जब रूम साफ हो जाता है ना, कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। अब देखो मैंने कैसे रूम चमकाया, जबरदस्त चिपका है। अब चले, अब कहते हैं ये काम खत्म कर लूं, अब सारे काम खत्म हो गए। बस इतनी देर मेरी सफाई रहने देना, आए खेल लेना। हाँ ठीक है, जब आपने खेल लेना है ना, फिर इसके साथ फिर सारे टॉयज ना संभाल के रखना, सही है? ये लो तैयबा, एक आपकी और एक बहना की है, और एक ये मेरी। मुझे ये वाली टॉफी बहुत अच्छी लगती, इतनी मजे, जब भी मेरा मीठा खाने का दिल होता है तो मैं ये एक टॉफी निकाल लेती हूँ कबर से।
से मैंने अपना ये रूम साफ किया ना, तो यहाँ से जो है ना ये वाला एरिया भी कुछ ना कुछ नीट हो गया। वैसे सुबह दोबारा से आएंगे, दोबारा भी थोड़ा बहुत काम रह गया करेंगे, तो बस हमने टेबल और ये एक दो से सोफा जो है ना यहाँ पर बैठने के लिए थोड़ा सा साफ किया है। तो बच्चे जो है ना अंदर खेल रहे हैं और मैं उनसे छुप के यहाँ पर आई हूँ, अपना अबाया पहन के अभी हम निकलने लगे हैं, अपना मिरर लेने के लिए जा रही हूँ। कल का उन्होंने हमें टाइम दिया था, कल हम गए भी थे बाहर, फिर हमारे जहन से निकल गया, बाकी सब सामान लेते कराते। अभी अम्मी चाचू सब घर पर हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो बस अभी यहाँ से वैसे ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, मिरर लेकर आते हैं। और घर के जो भी काम थे अभी सारे खत्म हो गए, फ्री है तो अब ये वाला काम खत्म कर लेते हैं, ठीक है, वरना अम्मा को ना तंग करें। क्या कह रही थे, मैं शीशा लेने के लिए जाऊं, बिल ले जाएं, हाँ। वो खुद ही आके रख जाएंगे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बिल लेके खुद ही चल जाओ, मैं नहीं अकेली जा रही, अब मैं आपके साथ चलूंगी, साथ चलना है तो मैं चल रही हूँ, वरना मैं नहीं जा रही। चलो अब देखो, अभी बाल एंड टाइम पे याद आ गए, आ रहे हो नहीं आ रहे, जल्दी आओ। चलो मेरा हमारा मिरर, अभी हमारा मिरर आ गया, अभी चेक कर रहे हैं, अभी जब तक हम वेट करते हैं जब तक खाना खा लेते हैं, यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। आप चाय पियेंगे खूबसूरत कप में, खाली कप में चाय, इतने खूबसूरत कप में चाय भी तो मिल रही है। शॉपिंग करने के साथ साथ यहाँ पर जो है ना खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, बस खाली बर्तन ही मिलेंगे। ये वैसे सितारा के आसमान के लिए ना बहुत अच्छी रहती है, प्यारी है। आ गए ना शीशा। जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने आयत के लिए एक छोटी सी ये वाली बुक भी ले ली है, जो कि हमारी आयत के लिए सब कुछ इसमें बहुत ज्यादा ऐसे सीखने का, जैसे स्कूल जाती है तो ये सब कुछ सीखती रहती है, तो घर पे भी मैं उसको ये पढ़ाऊंगी। छोटी सी क्यूट सी लग रही थी, फिर मैंने एक ये ले ली। तो हमारी कार देखे, हमारी कार का कितना ज्यादा फायदा और है भी माशाल्लाह से, इतनी लंबी गाड़ी है ना, तो दोनों जैसे सीटें खोली ना, इतना ये बड़ा शीशा जो है ना आराम से इसमें फिक्स आ गया, वरना इसके लिए अलग से कोई रिक्शा या सुजुकी कुछ कराना पड़ता, तो ये इजीली हमारी गाड़ी में अच्छा खासा सामान आ जाता है। बड़ी गाड़ी का यही फायदा, हाँ ये तो है। चाचू चलो ठीक है फिर, ओके खैर से जान, फिर खैर से, ओके अल्लाह। तो मेरे हस्बैंड और चाचू गए, जो हमारे घर पर आज मेहमान आए हुए थे, उनको एयरपोर्ट पे छोड़ना था, तो अभी सब उधर चले गए, उनको लेट हो रहा था, और मैं भी अपना मिरर लेकर आ गई। तो ये उमर लेकर आया और उमर और मुस्तफा दोनों लेकर आए, यहाँ पे देखो रख दिया, पूरे हमारे बेड के साइज का है। और तैयबा को मैं समझा के गई थी ना कि खेलने के बाद अपने टॉय संभाल के रखो, देखो यहाँ पे उसने कैसे बना के रख दिए। तैयबा को कोई काम बता कर जाओ ना तो वो अपना काम पूरा निभाती है, पूरा अच्छे से करती। अम्मी कैसा है मिरर, माशाल्लाह अच्छा है। अम्मी कहाँ पर इसको लगाऊं अभी, आप बताएं। दिन खड़े वैसे लगे, हाँ उसी कोने, इस कोने में, हाँ। ये कुर्सी फिर यहाँ से निकलेगी, हाँ। शाबाश उमर, बहुत अच्छा बच्चा है। और यहाँ पर जो है ना हमें ये खड़ा करके देगा, पीछे ये कर्टन आएगा ना, इसके साथ भी अच्छा लगेगा। मैं और नहीं खुल रहा, खुलेगा और खुलेगा, पीछे जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। मैं थोड़ा सा दूर जाकर देखती हूँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ। अम्मी पर्दों के साथ ये अच्छा नहीं लग रहा। इसको जो है ना कब से मेरा लेने का दिल था, जब मैं अपनी मेकअप की वीडियोस बनाया करती थी ना, तब मैं कहती थी कि ये मैं लूंगी, अपना मेकअप रूम सेट करूंगी। जब अभी भी मेकअप रूम सेट नहीं हुआ, लेकिन जैसे मेरे पास प्रमोशन के कपड़े आते हैं तो मैं कभी भी नहीं दिखा पाती, कभी मुस्तफ़ा को बुलाओ उसको बुलाओ तो थोड़ी बहुत वीडियो, तो अब इसमें देखो कि पूरा एंड तक दिखता है, तो इस वजह से ये मुझे चाहिए था। बाकी अभी इसके ऊपर निशान भी है, ये सही से साफ नहीं, इसको साफ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ना आप अपने हिसाब से भी कोई मुझे सेटिंग बता सकते हो कि किस तरीके से मुझे ये सेट करना चाहिए। पूरा मैं वाइड एंगल खोला हुआ है, अब ऐसे दिख रहा है, अब हमारा रूम कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ बेड पे भी बैठो ना, यहाँ से भी मैं दिखूंगी, दिख रही हूँ वो दिख रही हूँ। फिर मैंने कहा है कि मैं यहाँ पर जो है ना कुछ कर लम्मी जाऊंगी लेने के लिए। अम्मी कहती इतने खर्चे करती हो, कोई जरूरत नहीं है, टैडी उठा के वहां रखो, तो अम्मी का आइडिया काम कर गया, टैडी हमने वहां रखा है, टैडी प्यारा लग रहा है। पहले से ये वाला एरिया खाली खाली लग रहा था, अब मैंने कहा मैं यहाँ पे कुछ रखती हूँ, मैंने कहा ये बुक रख दो, मैंने डेकोरेशन का कुछ रखना पड़ेगा, फिर ये वाला एरिया हमारा प्यारा लगेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा मैट ले आएंगे, इस मिरर के साथ रखेंगे हमें, वो भी अच्छा लगेगा। अब अम्मी कहती और खर्चे करने जाएगी, अपना घर तो लेती नहीं है, हाँ। तो इतने खर्चे कर रही है, मैंने कहा थोड़ा सा हाथ पैसे बचाओ और अपना घर खरीदो। अम्मी अपना घर भी आ जाएगा, अम्मी ये जरूरत का था ना। तो अभी हमारी आयत की जो है ना नजर पड़ चुकी है, अब यहाँ पर जाएगी देखेगी। चलो बस अब टैडी के साथ जो है ना हमारी आयत की जगह बन गई बैठने की, तो ये इसकी गोद में ही बैठती है। बाय 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 बाय। बाकी यहाँ पर हमारा मैट्रेस आके आ गए। पापा जाओ, फिर नीचे बुला रहे हैं तो जाओ।
इसके अलावा मैंने चाय बनाई थी, तो ये सिर्फ मैंने 2 कप बनाए अपने लिए और अम्मी के लिए। अम्मी आज पूरा दिन पैकिंग में निकल जाना है, चीज अम्मी बन पैक अम्मी बना के रुकती हैं तो दूसरा। अभी साथ में जो है ना फारूक भाई की बच्चियों का भी बनाया हो ना अम्मी ने अलग से। हाँ, यूनिक है, बस एक बैग है तेरे चाचू का और मेरा। मैंने कहा अम्मी पता नहीं चाचू साजिद कब आते हैं, हम चाय पिए। अभी वो कह रहे हैं मुस्तफा के नीचे पापा आए हैं, फोन नीचे गाड़ी का कपड़ा लेकर गए, वो गाड़ी कवर करेंगे। छोड़ के आ गए, वेलकम। ईशा देखे मैंने कहाँ पे रखा, अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ पे सही लग रहा है। तो अभी मुझे इतना खूबसूरत सा मिरर मिल गया, तो अपना व्लॉग भी जो है ना एंड मैं इधर ही करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। बाकी सुबह जल्दी भी उठना है, स्कूल भी है बच्चों का। जी टैडी बर क्यों, क्या हुआ सर? नहीं करो उसके टैडी के साथ। तो इसके साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं, बाकी कल की बातें कल करेंगे। थैंक यू सो मच आज का व्लॉग वॉच करने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो सदा क्या बोलते हो, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।